दुमका हंसडीहा थाना क्षेत्र शराब माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है। बिहार में शराब खपाने के उद्देश्य से शराब माफिया झारखंड के बॉर्डर इलाकों में शराब तस्करी का काम करते हैं, लेकिन दुमका की पुलिस अपने नेटवर्क के कारण लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। बिहार में शराबबंदी है और शराब तस्कर इसका फायदा उठाने के लिए हंसडीहा के रास्ते बिहार शराब ले जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक मिनी ट्रक से हंसडीहा पुलिस ने 350 पेटी शराब जब्त किया है जो बिहार ले जाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर खलासी फरार है। पुलिस शराब के इस खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। दरअसल हंसडीहा थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव के पास रास्ते में एक ट्रक फंस गया था। कीचड़ में फंसने के कारण ट्रक को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना हंसडीहा पुलिस को दे दी गई। जब हंसडीहा पुलिस पहुंची और इसकी जांच की तो ट्रक के अंदर लगभग 350 शराब की पेटियां बरामद हुई। दुमका पुलिस अधीक्षक ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि बिहार से सटे होने के कारण शराब माफिया इसका फायदा उठाते हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं वह जल्द ही गिरफ्त में होंगे और शराब कारोबारियों को जो अवैध धंधा करते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसी राज्य में शराबबंदी है, चूँकि ये सीमावर्ती जिला है, तो इसका लाभ जो है तस्कर जरूर उठाते रहे होंगे और हम लोग को गुप्त सूचना भी मिलती थी। ये लोग शराब लेके कहीं खपाने का प्रयास कर रहे थे, इस वक्त पर उनका गाड़ी कुछ खराबी आ गया, जिसके चलते समय पर वो लोग ले नहीं जा सके। पुलिस को भी सूचना मिली, ग्रामीण लोग को भी सूचना मिली, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको जब्त किया गया और थाना लाया गया, और उसमें जो गाड़ी के साथ चालक और जो है उसका ड्राइवर और मालिक का कोई नहीं था, सब छोड़ के भाग गए थे। और उसमें जांच किया गया तो लगभग 350 पेटी शराब उसमें बरामद हुआ है, और जिस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज करके अनुसंधान करेंगे कि इसमें फिर और शामिल कौन कौन है, क्योंकि ड्राइवर और मालिक गाड़ी का वो अभी पकड़ाए नहीं है। उनको खोजने के बाद उनको बताना होगा कि कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे, ये तो अनुसंधान का विषय है। और अगर इसमें जो इसमें माफिया तत्व के लोग होंगे, अगर जो उनका नाम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।